आप हैरान हो जाओगे सुनकर कि पृथ्वी पर 60% से भी ज़्यादा जीव ऐसे हैं जो माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। इन सभी छोटे जीवों को हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इन जीवों की करीब 200 से 300 करोड़ प्रकार की प्रजातियां। सबसे बड़ी बात, हम इनके बिना जी नहीं सकते। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, खाने के लिए भोजन, थैंक यू माइक्रोब्स। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन बनाते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन, ताकि पौधे बढ़ सकें, जो हमारी फूड चेन्स का आधार है। इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ जीवों के बारे में जानेंगे, वे क्या अच्छा करते हैं और क्या बुरा। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मुख्य 6 प्रकार के होते हैं। वे कौन कौन से हैं, खाली जगह भरकर बता सकते हो? वीडियो को रोको और जरा सोचो, क्या आपको सभी उत्तर मिले? प्रोटोजोआ सिर्फ एक सेल के होते हैं। ये ज्यादातर पानी वाली और मिट्टी वाली जगह में पाए जाते हैं, और दूसरे जीव बढ़ सके उनको पोषक तत्व देकर ये कई फूड वेब्स का आधार बनते हैं। मुझे यकीन है आपने फंगी तो देखी होगी, पिज्जा पर वो मशरूम्स इतने बड़े हैं कि हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन ऐसे भी कई प्रकार के फंगी हैं जिन्हें हम खुली आंखों से देख नहीं सकते, जैसे कुछ यीस्ट और मोल्ड्स हैं। बल्कि हमें यीस्ट को थैंक यू कहना चाहिए, जो ब्रेड को उभारते हैं और कुछ अल्कोहल में फर्मेंट करते हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी कई फंगी हैं जिनसे बीमारियां होती हैं, जैसे आपके शरीर में यीस्ट इन्फेक्शंस। बैक्टीरिया, ये थोड़े बदनाम होते हैं, लेकिन ये इनके साथ सही नहीं होगा। हाँ, इनमें से कुछ हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया की कई प्रजातियां बहुत फायदेमंद होती हैं। सिर्फ हमारी चमड़ी पर ही करीब 1,000 करोड़ बैक्टीरिया रहते हैं, और इसमें से भी ज़्यादातर तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं। बदबूदार आर्मपिट्स, ये गंध उन बैक्टीरिया की वजह से है जो वहाँ रहते हैं। हमने पिछले 50 साल इसी बात पर बिता दिए कि सब बैक्टीरिया खत्म कैसे करें, लेकिन हमें अब समझ आ रहा है अच्छे बैक्टीरिया और उनके उपयोग क्या हैं। वे हमारा इम्यून सिस्टम और डाइजेशन भी बेहतर करते हैं। कुछ बैक्टीरिया की प्रजातियों पर शोध भी की जा रही है कि वे इंसुलिन बना सके और भविष्य में इंसुलिन शॉट्स की जगह भी ले सकें। क्या आपको चीज पसंद है? इसलिए भी बैक्टीरिया को थैंक यू कहो। चीज और योगर्ट इन्हीं से तो बनते हैं। एनेरोबिक डाइजेस्टर्स में बैक्टीरिया के इस्तेमाल से बायोगैस बनती है, इसीलिए ये फॉसिल फ्यूल्स के बदले हमें दूसरा प्राकृतिक ऑप्शन दे रहे हैं। उपजाऊ मिट्टी के लिए थैंक यू बैक्टीरिया। पौधों को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, पर ये नाइट्रोजन मिट्टी में कहाँ से आता है? जवाब है बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नाम का प्रोसेस करते हैं। दोस्तों, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या नहीं कर सकते? वायरस, एक और शब्द जिससे दिमाग में बहुत सारी खराब बातें आती हैं, लेकिन बैक्टीरिया के मुकाबले इस बारे में सोचना सही भी होगा। भविष्य में हो सकता है वायरस के लाभदायक उपयोग हों। मैं इसे अंत में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये सस्पेंस इंतजार के लायक है। आल्गी फूड चेन में सबसे नीचे वाले जरूरी माइक्रोब्स होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ये सूरज से एनर्जी लेते हैं और उसे लेकर वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ताकि हम सांस ले सकें और जिंदा रह सकें। ये आल्गी की मदद से कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, जो कई फूड चेन्स का आधार है। तो लगा लो, आपको पता नहीं होगा कि आल्गी आधारित इंग्रेडिएंट्स आइसक्रीम में, सलाद, ड्रिंक्स, लिपस्टिक और टूथपेस्ट में भी पाए जाते हैं। 700 करोड़ लोग, खरबों जानवर, फिर भी ये दुनिया एक बड़े कचरे का ढेर नहीं बनी। वजह साफ है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की लाजवाब प्रजातियों ने ऐसा होने नहीं दिया। माइक्रोब्स ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंगी डीकॉम्पोजिशन करते हैं, मतलब मरे हुए जीव और वेस्ट मटेरियल को तोड़कर सिंपल सब्सटेंस में बदलना, जो फिर से रिसाइकल होकर मिट्टी में चले जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, माइक्रोब्स सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर तक सीमित नहीं, ये लगभग कुछ भी खा सकते हैं। पीला कचरा, प्लास्टिक, इस तरह ही हमें एक बड़े कचरे के ढेर पर जीने से बचाते हैं। और अंत में बताऊंगा सबसे जबरदस्त बात, उपस हमारी एंटीबायोटिक मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। इसे हम नए एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं जो इतने पावरफुल हों कि सबसे खराब सुपरबग्स को भी खत्म कर सकें। 50 साल में सभी नए एंटीबायोटिक्स मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया से बने हैं, जो आपके घर के पिछवाड़े वाली मिट्टी जैसी हो, या शायद पूरी तरह ये एंटीबायोटिक्स की जगह लेंगे। साइंटिस्ट लोग नए तरीके ढूंढ रहे हैं से हम एंटीबायोटिक्स के बदले वायरस से खराब बैक्टीरिया खत्म कर सकें। बोला था ना, वायरस का जबरदस्त उपयोग हो सकता है। हमने देखी माइक्रोब्स की गजब की दुनिया, हम इनके बिना बिल्कुल भी जी नहीं सकते। हाँ, कुछ हमें बीमार तो करते हैं, पर बीमारी ठीक भी तो करते हैं। ऑक्सीजन, एनर्जी और फूड भी बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।